हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे पुराण का श्लोक है।
यदि जिनके अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में रहेगा, थोड़ी बड़ी नहीं परिपूर्ण रूप में रहेगा, उसको भगवान बताया जाएगा। ठीक है, श्लोक याद तुमको याद है जी? हाँ, बहुत अच्छी बात। इसलिए क्या है कि समग्र ऐश्वर्य, जैसे हमारे देश में मोदी है, नाम सुने कि नहीं मोदी है? सुने हैं मोदी? मोदी कौन है? भारत का कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है, इसलिए केवल ये भारत का प्रधानमंत्री है, ये अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं है, ये जर्मनी का प्रधानमंत्री नहीं है, ये लंदन का प्रधानमंत्री नहीं है, ये रशिया का प्रधानमंत्री नहीं, कहाँ का प्रधानमंत्री है? भारत का ही प्रधानमंत्री। इसलिए इनको भगवान नहीं बताया जाएगा है, इनको भगवान नहीं बताया जाएगा। कहते हैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो, जिनकी इशारा पर ही, इसलिए बोले जस्य प्रभा प्रभुवतो ब्रह्मा कहते हैं, बोले जस्य प्रभा प्रभुवतो जगदंत कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूत वर्णनम् तद् ब्रह्म अनंत अनंत भूतम् गोविंदम् आदि पुरुषम् तमाम भजामि। ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, जिनकी केवल एक इशारा करने पर क्या होता है, जगत में सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है, केवल जिनकी एक इशारा मात्र से ही। कृष्ण अगर थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं ना, इंद्र कांप जाता है, इंद्र कांप जाते हैं इंद्र। इसलिए कहते समग्र ऐश्वर्य अनंत कटोर विश्व ब्रह्मांड का जो सारे का जो मालिक हो, सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो। लक्ष्मी क्या करती है? भगवान नारायण की चरण की सेवा करती है ना, चरण की सेवा करती है ठाकुर जी की। लक्ष्मी मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी, ये मूल लक्ष्मी है, हैं? इसलिए सुदामा जी की कथा सुने, सुने कि नहीं? सुदामा जी की, सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़वा लेकर के ठाकुर को पास में आए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे लक्ष्मी ठाकुर, नहीं अपने दो मुट्ठी चिड़वा खा लिया, क्या हो गया? सुदामा जी का घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अब देखे होंगे टीवी में कथा सुने होंगे, जब सुदामा घर में आते हैं क्या देखते हैं? सोने की राजमहल, उनकी पत्नी रानी बनकर के बैठी है। जब कृष्णा मथुरा गोवर में जिस समय जरासंध और काल जबल ने आक्रमण किया, एक तरफ से काल जबल दूसरे तरफ में जरासंध, अभी कृष्ण बलराम सोच रहे हैं अभी क्या किया जाए, अगर एक को साथ में लड़ाई करके जाए तो दूसरा आकर के आक्रमण करेगा। इसलिए उन्होंने रात रात उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, बोले समुद्र के बीच में द्वारा का स्थापन कर दो। समुद्र के बीच में क्या स्थापन कर दो? द्वारा का। सबके सब सो रहे थे मथुरा में, लेकिन जब सवेरे उठा ना कोई मथुरा में नहीं थे, कहाँ बनते? इसलिए उसका नाम बढ़ गया क्या? सवेरे उठे सो रहे थे तो मथुरा में, जब सवेरे उठे बोले भैया हम कहाँ सो रहे, बोले द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, हम किधर से निकले भैया, कहाँ द्वार? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्वारिका नाम पड़ गया। बोले जब भगवान केवल इच्छा मात्र करते हैं, इनकी इच्छा से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाते, तो इच्छा मात्र से ही। इसलिए कहते पहला लक्षण क्या है? बोले समग्र ऐश्वर्य, विश्व ब्रह्मांड का जितने सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, कल मैं जो बोलेगा उसका इनाम दूंगा, इसमें जो बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया। बोले दूसरा नंबर क्या है? समग्र ऐश्वर्य जस, जिसका जस केवल भारत में नहीं, जैसे मोदी का जस होगा भारत में, अभी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जिसका जस केवल भारत में नहीं, संपूर्ण पृथ्वी में नहीं, कहते जिसको जिसका जस स्वर्ग लोक में भी जिसकी महिमा को गान करते हैं, मोह लोक में भी जिनकी महिमा गान करते हैं, तप लोक में भी जिसकी महिमा गाते गाते हैं, सत्य लोक में भी जिसकी महिमा गाते हैं, शंकर भी जिनकी महिमा गाते हैं, जो भागवत को अमर कथा कहते हैं ना, शंकर की अमर कथा काम सुनाए, अमरनाथ में सुनाए, तब भी इसका नाम अमर कथा पड़ा है, जिसकी महिमा विश्व ब्रह्मांड में जिसकी महिमा गूंजता है, हैं? इसलिए कहते जिसका जस है। अब बताओ कृष्ण कब आए थे, कितना साल पहले आए थे, पता है तुमको? बोलो। बोले 5,500 साल पहले आए थे, अभी भी कृष्ण का जस हो रहा है। भगवान राम कब आए थे? त्रेता युग में आए थे,
हृदय की इतने लाख साल बीत गया, अभी भी प्रभु राम की महिमा को गाते हैं, अभी भी प्रभु राम की महिमा को दुनिया गाते हैं। इसलिए जो दूसरा गुण है जिसका जस है केवल पृथ्वी नहीं विश्व ब्रह्मांड की जस गुस्ता है, इसका जीव की दूसरा लक्षण है। बोले तीसरा लक्षण क्या है? बोले श्री, श्री मतलब क्या है? सुंदरता। श्री मतलब क्या होता है? सुंदरता। कभी जिनसे सुंदर विश्व ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले तू नंद लाला तुझी खोत लाली गला करके जाती कर, अच्छा होगा तेरे को लाली नहीं बना के लाला बना, तू इतने सुंदर, इतने सुंदर कभी घुसड़ा घुसड़ा में कत कंदर को कोट कमन विशेष शोभम गोविंद माति पुरुषम तमाम भजानी करो करो। इसलिए कृष्ण का एक नाम मदन मोहन, क्या नाम है? वृंदावन देखे ना, मदन मोहन मंदिर देखे नहीं है? एक बार तू सबके एक बार घुमा लूंगा ठीक है, कहाँ कहाँ पर वृंदावन बड़े भाग्य से आए, तब से तो वृंदावन दास मुक्त करनी चाहिए। इसलिए ठाकुर का नाम मदन मोहन क्यों नाम पड़ा? बदन मतलब है काम दे, हैं विश्व ब्रह्मांड को जो पागल बना कर रखा काम दे, लेकिन उनको जो मोहित करता है वो कौन है? श्री मदन मोहन है। बोले श्री मदन मोहन लाल की, इसलिए जिनसे जगत में कोई सुंदरता देखते जिसकी है नहीं। और दूसरा नंबर है जो कभी बूढ़ा नहीं होता भगवान, कभी इस चीज को याद रखो, भगवान कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। भगवान का उम्र कितना उम्र रहता है ठाकुर जी को? बोले नव किशोर नटव है, उनके लिए बताए 14.5 साल से जाता कभी भी भगवान की उम्र नहीं होती है, भगवान की कभी 14.5 साल से ज्यादा उम्र ठाकुर की होती नहीं। इसलिए भगवान राम तुमको पता है, ए बात मत कर बच्चे, कल सबसे पहले तुमको पूछूंगा मैंने क्या बताया, ध्यान दे रहे थे। इसलिए जैसे भगवान राम बताओ तो कितना साल तक राजा कर दिया संसार में, भगवान राम कितना साल तक थे? बोलो कौन बोले? 14 साल। क्या क्या 14 साल तक थे भगवान राम? 11,000 साल इस जगत में राजत्व किए भगवान, 11,000 साल तक इस जगत में राजत्व किए भगवान। लेकिन तुम लोग कभी भी नहीं देखोगे आज भगवान कृष्ण कितना साल तक थे, पता है कितना साल तक थे? हाँ 125 साल तक थे। कितने दिन तक थे? 125 साल तक थे। लेकिन तुम कभी नहीं देखोगे भगवान जो कृष्ण हैं उनका दाढ़ी आया है, कभी उनको मोजे आए हैं, भगवान कभी बूढ़ा रूप राम को कभी देखा, कभी बूढ़े रूप में कभी देखा भगवान राम को, कभी भगवान का दाढ़ी मोज कभी देखे भगवान कृष्ण कहा है? देखो कन्या को देखो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देखो पीछे देखो कृष्ण बलराम को, कालिया नाल ठाकुर जी, ठाकुर जी मक्खन चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी जो भगवान है ना, ये चीज को समझ लो, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हर समय नवकिशोर नटव है, 14.5 साल से ज्यादा उम्र कभी होती नहीं, इससे ज्यादा कभी नहीं होती है। जो लक्ष्मी गोपियां राधा रानी कभी उनकी उम्र 13.5 साल से कभी ज्यादा उसके ऊपर उम्र होती नहीं, इसी उम्र में ही हर समय रहा करते हैं। इसलिए जो उनका जो तीसरा गुण है श्री, श्री मतलब क्या है? सुंदरता। जिनके बराबर जगत में कोई सुंदर नहीं हो सकता है, जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, और जो कभी मरते भी नहीं, भगवान कभी नहीं मरते हैं। रामायण देखे हो तुम लोगों ने? कौन कौन रामायण देखे? सब देखे रामायण। आप देखते रामायण में जब भगवान राम जब ये जगत को छोड़ रहे हैं, पूरा अयोध्या वासियों को लेते थे, अकेले नहीं गए ठाकुर जी, देखे होंगे एक तरफ में सरज में स्नान कर रहे और दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए, और तीसरे तरफ में सांकेत धाम से विमान आ रहा है, और सबके सब विमान पूरा अयोध्या वासी, प्रभु राम अकेले यहाँ से प्रभु राम अकेले नहीं गए, पूरा संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के ठाकुर जी गए। भगवान जब कृष्ण गए संसार से,
भगवान कृष्ण भी अकेले नहीं गए ठाकुर जी, वो पूरा वृंदावन वासी पूरा ब्रजवासी बोले पूरा उन्होंने पूरा वृंदावन को लेकर कृष्ण सबके सब गए। इसलिए स्कंद पुराण में कथा दी है जब बज्रनाम को राजा बनाया वृंदावन की तथा वृंदावन में कोई नहीं, कोई नहीं वृंदावन। इसलिए शास्त्र कहता है यहाँ जितने गुलमल लता पिकट सब ये सबके सब कृष्ण परिकर है, सबके सब बोलते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। इसलिए यहाँ के जो वृक्ष लता है इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष वृंदावन धाम के जितने सारे वृक्ष सबके सब कल्प वृक्ष यहाँ के भूमि सबके सब चिंतामणि बोले त्वया अमृतम यहाँ पानी अमृत है गगन अमृतम। अगर कोई चलता है ना लगता है जैसे नाचता है, कोई अगर बोलता है लगता है ये बड़े सुंदर ठाकुर का कीर्तन कर रहे हैं, हैं? ये ठाकुर जी के सुंदर ये कीर्तन करते हैं अद्भुत से वृंदावन धाम की महिमा अद्भुत से वृंदावन धाम है। इसलिए कहते भगवान की तीसरा लक्षण क्या हो गया बोलो बच्चों, हर बोल सब कितना जल्दी बोलिए। श्री श्री मतलब सुंदरता, भगवान जैसे जगत में सुंदर कोई होते नहीं और कभी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान का दाढ़ी और मोच कभी निकलते नहीं और भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी मरते नहीं। भगवान राम जैसे संपूर्ण अयोध्या को लेकर गए, कृष्ण भी वृंदावन धाम को लेकर गए। कहते हैं तीसरा लक्षण है, कहते चौथा लक्षण क्या है समग्र से ऐश्वर्य से वीर्य, वीर्य मतलब होता है पराक्रम। कृष्ण कथा सुने तुम लोग सुने कि नहीं, उतना कितना दिन में आरती ठाकुर जी कौन बोलेगा 6 दिन, जिस उतना को दुनिया डरता था भयंकर क्या कर सकती, लेकिन कृष्ण केवल उसको दूध पीते 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 मारे। इसमें दिखा है ठाकुर जी जो होठ है, ठाकुर जी के होठ में कितने शक्ति है। ठाकुर जी जब 3 महीना को हुए कौन आ गया सरदा आ गया सकटा सुर आ गया, 3 महीना में ठाकुर जब जिस दिन करवट लिया उत्सव कर रहे थे कौन आ गया सकटा सुर आ गया। बस 3 महीना में ठाकुर जी सो रहे थे और त्रिनाम्बर कहा करके सोचा सकट गाड़ी के ऊपर सवार होकर के कृष्ण को पीस दूंगा, केवल कृष्ण थोड़ी सी चरण को ठोकर मार के बोल गाड़ी पलट गई और राक्षस को उन्होंने मार दिया। क्या दिखाया कृष्ण की केवल 3 महीना में उनकी चरण में कितनी शक्ति है, ठाकुर जी की चरण में कितनी शक्ति है। और उन्होंने कृष्ण जब 1 साल की हो गए फिर क्या हुआ वहां पर फिर अलग अलग राक्षस त्रिनाम्बर आ जाता है, सब त्रिनाम्बर आ जाता है ठाकुर को उड़ा करके ले गया और ठाकुर जी उड़ते उड़ते ही ठाकुर जी सोच रहे थे थोड़ी सी एरोप्लेन आ जाए थोड़ा घूम ले बस त्रिनाम्बर आ गया ठाकुर को पूरा वृंदावन घुमा दिया पूरा वृंदावन घूम गए ठाकुर जी। इसलिए उन्होंने जैसे यहाँ पर दिखाया ना काली कृष्ण कालिया बन रखे रहते तो कालिया था है कितने उम्र में ठाकुर जी कालिया के सर पर नृत्य किया बताया तुमको कितने उम्र में कृष्ण जी केवल 6 साल के थे जिसको ऊपर कोई चिड़िया के ऊपर नहीं जा सकते आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं जितने जड़ने के पानी, लेकिन ठाकुर जी क्या किया था कालिया को कितना 1000 100 फॉर्म था उसको ऊपर गए ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। कभी वृंदावन में आग लग गई वृंदावन में कभी आग लगी जिस दिन ठाकुर जी ये कालिया को नथे उसी रात को ऊपर सो गए थे बोले कहाँ जाएंगे आज ये सो जाते हैं किसी राक्षस ने आग लगा दिया जंगल में सब आग लगा दिया। इतने में कृष्ण ने क्या किया सबको सब आग को ठाकुर जी बांध कर दिया। इसलिए एक दावन कुंड भी यहाँ पर वृंदावन में दावन कुंड है और एक है भांडरी बैठे है वहाँ पर जब कृष्ण सखाओं को साथ में ठाकुर जी जब गोचार करने के लिए गए तो वहाँ भी आग लगा दिया राक्षसों ने, लेकिन इतने में कृष्ण उन्होंने अंजलि करते हुए अग्नि को पान कर लिया। देखो ये चीज को समझो हम किसको जिसको जिसको भगवान बोलते थे ना हमको भगवान हमको भगवान, अगर जिसको भगवान कहें तो थोड़ा मुंह में आग लाग लगा बताओ कैसे भगवान क्या निकल जाएगा। आप बताओ कृष्ण कितने साल में गिरिराज उठाए कौन बोलेगा
कितने साल में कृष्णा गिरिराज उठाए? 7 साल। 7 साल 2 महीना की जब तुम तो ठाकुर जी थे गिरिराज उठाए। तुम लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? परिक्रमा करने के लिए कितना घंटा लगता है? परिक्रमा लगाने के लिए कितना घंटा लग गए? 4 घंटे। हाँ, तुमने तो अच्छा 6-7 घंटा लग जाते साधारण लोगों को केवल परिक्रमा लगाने के लिए। लेकिन जिसने इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन, उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की। उसने ये गिरिराज गोवर्धन को जिसने उठा लिया कनिष्ठ अंगुल पर। अभी हम बोलते ये भगवान, ये भगवान, एक 10 क्विंटल पत्थर ला के सर पर सारे भगवान निकल जाएगा उसके। जो भगवान भगवान के हैं, इसलिए भैया भगवान कोई नहीं है, है? ये कलयुग होने का नाते नए नए भगवान सब निकल गए। भगवान हमारा कन्हैया है, भगवान हमारे राम है, भगवान हमारे नारायण है, हैं? ये हमारे भगवान है। इसलिए जिसको जिसको पीछे भगवान भगवान बोल करके ना, उसको पीछे पीछे नहीं भागनी चाहिए। कोई नौकरी दे दिया तो भगवान हो गया, कोई फिर जादू निकाल दिया, पीसी सरकार का नाम सुनेंगे, कितना बड़ा जादू करते तो कि भगवान हो जाते। मोदी कितने को नौकरी दे रहे हैं तो सबसे बड़ा भगवान हो जाए। इसलिए नौकरी देने से जादू दिखाने से कोई भगवान नहीं बनते हैं। इसलिए कितना हो गया? 4 गुण हो गए। समग्र ऐश्वर्य से बिरजस्य जैसा सर श्री बोले ज्ञान कच्चित के अंदर में परिपूर्ण रूप में ज्ञान हो। थोड़ी मोटी ज्ञान नहीं, जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो। कितने साल तक पढ़ाई करते हो यहाँ पर? कितने साल तक? 6-7 साल तक उसको लोग पढ़ पढ़ देखना। कोई सीए करता है ना, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर करता है, जिंदगी उसकी लग जाती है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जिंदगी। लेकिन भागवत सुने होंगे, कृष्णा जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, उनने 64 दिन में 64 विद्या पढ़ने पड़े। कितना पढ़े? 64 विद्या। मतलब जगत में जितने आर्ट्स है, सीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कला, विद्या, 64 तरह का आर्ट्स विद्या है। कृष्ण 64 दिन में सारे विद्या को पढ़ लिया, सारे विद्या को पढ़ लिए। जब पढ़ लिए इतने में शांतिवनी ऋषि बड़े बोले, बाबा ये तो साधारण बच्चा नहीं लगता, ही भगवान है। क्योंकि एक बच्चा आता है जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते, जैसे संस्कृत पढ़ रहे हो, जिंदगी भर पढ़ रहे हो ना, संस्कृत को खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने 64 दिन में सारी विद्या पढ़ लिया। बोले लगता है ये भगवान है, इसको परीक्षा करेंगे। बोले क्या परीक्षा करेंगे? कहते भगवान किसको कहते हैं? कहते अगर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम या सत्यते सर्व ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन नहीं है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकता है, दीन को जो रात कर सकता है, वो भगवान है। महाभारत देखे हो ना? महाभारत देखे हो? बताओ तो किस समय में उन्होंने दीन को रात कर दिया था? जब जयद्रथ मारा था। हाँ, ये बच्चे के लिए ताली बजाओ, इसको भी याद। हम लोग कोई देखते हो उसकी याद नहीं। ये जब जयद्रथ का वध का समय उन्होंने दीन को क्या कर दिया? उन्होंने फिर रात को फिर क्या कर दिया? दीन कर दिया। और उन्होंने मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर दिया। इसलिए बोले परीक्षा करेंगे उनको। बोले क्या परीक्षा करेंगे? बोले बचपन में हमारे बच्चा गया था समुद्र कुंड में घूमने के लिए, मर गया। अगर ये भगवान होगा तो मरे हुए बच्चों को भी ले जाएगा। जब उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए गए, नियम है जो पढ़ाई करो गुरु दक्षिणा देने जानी चाहिए। बोले क्या गुरु दक्षिणा दे? बोले मेरे बच्चा बचपन में मर गया, ला सकते हो? कोई चिंता नहीं। उन्होंने पूरा जमपुर में चले गए भगवान, जमपुर में जाकर शंख बजाए। इतने में स्वयं जम का थर 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 काम करके आए। लगता है मेरी बारी आ गया। बोले मेरी बारी मतलब आ गया क्या? कृष्ण ऐसे भगवान मैंने सबका घमंड को उन्होंने दूर किया, इंद्र का घमंड भी दूर किया, ब्रह्मा की घमंड को भी दूर किया। बोले लगता है मेरा ही बारी नंबर आ गया। कांपते 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 आए, ठाकुर के चरण में प्रणाम किया। बोले ठाकुर की क्या सेवा करें? बोले मेरे गुरुपुत्र को वापस ले, मेरे गुरुपुत्र को वापस ले। उन्होंने मरे हुए गुरुपुत्र को उन्होंने जमपुर से वापस लेकर क्या है? ये काम कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है? कर सकता तो कौन कर सकता है? हाँ, ये चीज को अच्छा करके समझ लो, ठीक है ना। जब देवव्रत को पता चला ये मरे हुए पुत्र को कहाँ से जमपुर से लाए, बोले भैया मेरे भी 6 बच्चे भी मर गए, कल से मार दिया मेरी इच्छा देखने के लिए।
भगवान गए फिर जबलपुर गए, उनके छह बच्चों को वापस फिर लेकर के आए, मरे हुए बच्चों को ले आए भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान के जो गुण है वो बच्चे को भी मरवा सकते हैं, मरे व्यक्ति को भी वो बचा सकते हैं, दिन तो रात को वो दीन कर सकते हैं। ये कौन है? बल्कि ईश्वर है, भगवान है। इसलिए कहते समग्र सस्य, कहते समस्त ज्ञान का जब भंडार है। और जो छठवां गुण है कहते वैराग्य, जिनके अंदर में पूर्ण रूप में वैराग्य हो। ये रासलीला में दिखाई पड़ता है, जब भगवान बंसुरी बजाए, जब ब्रज गोपियां वहां पर आई, इतना सुंदर राग है और गोपियां एक से एक सुंदर है, लेकिन आने पर भी कृष्ण कहते अच्छा हुआ है आए हो, वृंदावन का सौंदर्य देखो घर में जाओ। तुम पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, उनके धर्म है। भले ही पति लगड़े बोले क्यों नहीं हो, पति सेवा है पत्नी के लिए, स्त्री के लिए धर्मात्मा है। इतने सुंदर रात में तुम पापा कोई प्रति उनको आसक्ति नहीं, कोई आसक्ति नहीं है उनके प्रति है। जब उन्हें जदुवंश को ध्वंस किया, पूरा जदुवंश कृष्ण ही नहीं, सारे जदुवंश को ध्वंस किया, अपना कितने गया के भगवान ने सबको पूरा परिवार से बनाया, परिवार भी खत्म कर दिया। तो दिखाई पड़ता है भगवान के अंदर में कितने वैराग्य भगवान के अंदर में। यदि जो छह गुण है जिसका अंदर में परिपूर्ण रूप में हो वो कौन है? यदि ये भगवान है, इनको भगवान कहते हैं। यदि छह गुण जिनके अंदर है, इसलिए अभी तुम लोग को क्लास का समय हो गया ना, हम क्लास में जाए, इसलिए फिर हम लोग कल हम सुनेंगे जो हम भगवान कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। जैसे एक चीज सुन लो और दो मिनट, जैसे मानो आनंद धाम में मानो आनंद स्वरूप केला प्रभु जी मोदी को यहाँ बुला रहे हैं। जब मोदी को बुला रहे हैं, मोदी ऐसे आ जाएगा क्या? ऐसे नहीं आएगा। एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर योगी को भी बुलाओ तो सहज में नहीं आ जाएगा, पहले मीट में आ जाएगा, फिर आएगा कौन सा प्लेन में कहाँ पर लैंडिंग करेगा, कहाँ उतरेगा, उसको पहले देखना न्यूज पेपर में, वीडियो में, सब जगह में उसकी मैसेज आ जाएगी, इतने समय पर इतने बजे मोदी कहाँ पर आ रहा है, आनंद धाम में आ रहा है, देखना पूरा पहले डिटेल से, उसको पहले क्या होगा, पूरा के पूरा सैन्य सहमत देखे ना, जब आता इतने लोग खड़े हो जाते हैं। साधारण एक प्राइम मिनिस्टर आने के लिए उसके लिए इतने स्वागत, पहले सांस करके निकल जाता है, सांस वर्णना कर देते हैं हम समय पर ऐसे ऐसे आएगा। और अगर बोलो वृंदावन से अगर साक्षात भगवान आते हैं वो ऐसे नहीं आ जाते हैं। जैसे अभी कल की अवतार हुआ है, कल की अवतार हुआ है, कल की अवतार होगा, लेकिन भागवत में तो लिखा संभल ग्राम श्लोक संभल ग्रामीण ब्राह्मण से महात्मा भवन ने विष्णु जैसे से कल की प्रादुर्भाव लिखा हुआ है। संबलपुर ग्राम ठाकुर जी आएंगे, विष्णु जस पिता का नाम होगा विष्णु जस, उसकी धर्म ठाकुर जी कल की अवतार लेकर आएंगे। भागवत में पहले लिखा हुआ है, जैसे बुद्ध अवतार का कथा भागवत में लिखा हुआ है, उसका पिता कौन बनेगा, माता कौन बनेगा, कौन सा नाम, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ही कल युग में आएंगे। कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्र में प्रमाण बताया, भागवत में कहाँ पर बताया, महाभारत में कहाँ पर है, पुराण में कहाँ कहाँ पर है, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। हैं कहाँ कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु समझ हो सकते कागज लेकर जाना, अगर इसको लिखोगे ना तो जितने समय के लिए तुम्हारी काम में लगेगा, कहीं हरी कथा बोलोगे, प्रचार करोगे, भागवत कथा करोगे, सब जगह भी तुम्हारी काम में सब जगह भी चीज आएगी। ठीक है, इसलिए अभी तुम लोग तुम्हारी क्लास का समय हो गया है, भोजन कर लिया, भोजन हो गया तुम लोग, ठीक है तुम लोग अभी एक मिनट कितने करते तुम लोग कल है ना, ठीक है हम लोग को 9:30 बजे शुरू करेंगे, फिर आगे सुन सकते हैं। हाँ सुनो, जल्दी जल्दी तुम लोग भोजन कर बहुत फायदा देगा, यही काम में आया उसमें पढ़ाई नहीं करेगा और क्या है, पत्ता बन गया तो प्रमाण दोगे ना, शास्त्र का प्रमाण दो, कहाँ पर लिखा हुआ, तुम जो बोल रहे हो कहाँ पर लिखा हुआ, तुम पुराण में क्या
शास्त्र में क्या है, बहुत काल में आएगा तुम लोगों का कथा, ठीक है। बोल जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.